हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रोटेक। तो फ्रेंड्स, आज हम एलसीडी एंड आर्डिनो का इंटरफेसिंग देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम 16:2 एलसीडी का यूज़ कर रहे हैं। इसको 16:2 एलसीडी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 16 कॉलम एंड 2 रोज होते हैं। इसमें हम टोटल 32 कैरेक्टर डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए अब हम एलसीडी पिन के साथ एलसीडी का आर्डिनो के साथ इंटरफेसिंग भी देखते हैं। एलसीडी के टोटल 16 पिन होते हैं। एलसीडी का फर्स्ट पिन VSS है, जिसे हम ग्राउंड पिन से कनेक्ट करेंगे। सेकेंड पिन VCC है, जिसे हम 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। थर्ड पिन आता है वी आउट का, जिसे हम कॉन्ट्रास्ट सेट करते हैं। मींस जो कैरेक्टर हमें डिस्प्ले कराना है वो कितना डार्क होना चाहिए, हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसे हम आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 6 से कनेक्ट करेंगे। फोर्थ पिन आता है रजिस्टर सिलेक्ट का, जो हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हमें एलसीडी को कमांड सेंड करना है कि डेटा। अगर हमें कमांड सेंड करना है तो इसे लो सेट करते हैं, और अगर हमें डेटा सेंड करना है तो इसे हम हाई रखेंगे। इसे आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 12 से कनेक्ट करेंगे। फिफ्थ पिन रीड राइट ऑपरेशन का है। अगर हमें राइट ऑपरेशन कराना है, मीन्स अगर हमें एलसीडी पे कैरेक्टर डिस्प्ले कराना है, तो हम इसे लो पल्स प्रोवाइड करेंगे। तो इसे हम ग्राउंड पिन से कनेक्ट करेंगे, और रीड ऑपरेशन के लिए इसे हम हाई पल्स प्रोवाइड करेंगे। तो इसे हम 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पिन आता है इनेबल का, जिसे आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 11 से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है डेटा पिन्स, जो कि D0 से लेके D7 तक होता है। इसे हम 8-bit डेटा सेंड करते हैं जब हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें हम D4 से लेके D7 के डेटा पिन्स का यूज़ करेंगे। D4 को हम आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 5 से कनेक्ट करेंगे। D5 को हम आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 4 से कनेक्ट करेंगे, और D6 को हम आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 3 से कनेक्ट करेंगे, और D7 को हम आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 2 से कनेक्ट करेंगे। लास्ट दो पिन बैकलाइट एनोड एंड बैकलाइट कैथोड के होते हैं। अगर हमें LCD के बैकलाइट को ऑन रखना है तो बैकलाइट एनोड को 5 वोल्ट सप्लाई देंगे, और बैकलाइट कैथोड को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था LCD पिन्स एंड कनेक्शन के बारे में। अब आते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट पर। जैसा कि आप जान चुके हैं कि आर्डिनो का प्रोग्राम 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें हम फर्स्ट पिन डिफाइन करते हैं, देन वॉइड सेटअप में हम पिन्स को एज अ इनपुट यूज़ कर रहे हैं या एज अ आउटपुट, और लास्ट में आता है वॉइड लूप, इसमें हमारा मेन प्रोग्राम आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है हैश इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, जो कि एक लाइब्रेरी है जिसमें हमें LCD के प्री डिफाइंड कमांड मिलते हैं। तो फर्स्ट कमांड आता है लिक्विड क्रिस्टल स्पेस LCD, जिसमें हमने डिफाइन किया है कि हम आर्डिनो का कौन सा पिन यूज़ कर रहे हैं। तो हम आर्डिनो का पिन नंबर 12, 11, 5, 4 एंड 3 यूज़ कर रहे हैं। वॉइड सेटअप में हमने lcd.bin, मीन्स हम 16:2 LCD का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने lcd.bin में डिफाइन किया है। वॉइड लूप में हमने lcd.setcursor 0,1 इस कमांड का यूज़, हमने कैरेक्टर को किस कॉलम एंड रो में डिस्प्ले कराना है हम इस कमांड से सेट करते हैं। तो 0 कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 1 रो। LCD पे कैरेक्टर डिस्प्ले कराने के लिए lcd.print इस कमांड का यूज़ करते हैं। तो हम LCD पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कराएंगे। तो हमने lcd.print में हेलो वर्ल्ड डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। अब चलिए हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में सीरियल मॉनिटर का यूज़ करके LCD पे कैरेक्टर डिस्प्ले कराएंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।